गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे उनके हिस्ट्री प्लेज के ऊपर। सो हाउ मेनी हिस्ट्री प्लेज आर देयर, इसका आंसर मिलेगा आपको। फिर उन हिस्ट्री प्लेज के अंदर कौन कौन से किंग्स के ऊपर फोकस किया गया है, क्या एक ही प्ले के अंदर वो पूरे किंग की लाइफ को कवर कर लिया गया है या एक से ज्यादा पार्ट्स हैं उसके, और व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, किस ऑर्डर में विलियम शेक्सपियर ने प्लेस को लिखा है, किस ऑर्डर में एक्चुअली वो किंग के अपने अपने जो टाइम रूल्स हैं वो आए हैं, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, फोकसिंग ऑन बोथ द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड हाउ विलियम शेक्सपियर रिप्रेजेंटेड इट इन हिज प्लेस। सो एक एक करके शुरू करेंगे, है ना। देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनार्क्स की, जो हमारे किंग हैं उनके बारे में जानते हैं, और फिर जानेंगे कि इनमें से किनको विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक, तो शुरुआत किससे हो रही है, बहुत एकदम स्टार्टिंग से नहीं कर रही हूँ मैं, जहां से हमें कवर करना है अपने टाइम पीरियड या ब्रिटिश मिनार्क की टाइम लाइन को, उसके लगभग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास हेनरी द 2, हेनरी दी सेकेंड, देन नेक्स्ट किंग इज रिचर्ड द 1, रिचर्ड द 1, फिर किंग जॉन। ये क्रोनोलॉजी है जिस ऑर्डर में एक्चुअली ये राजा बने हैं, देन हेनरी द 3, एडवर्ड द 1, एडवर्ड द 2, एडवर्ड द 3, देन रिचर्ड द 2, उसके बाद हेनरी द 4, हेनरी द 5, हेनरी द 6, एडवर्ड द 4, रिचर्ड द 3, हेनरी द 7, हेनरी द 8, एडवर्ड द 6, द 1, एंड जेम्स द 1। अब एलिजाबेथ द 1 और जेम्स द 1, ये जो दो राजा हैं इनका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इस टाइम फ्रेम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो एलिजाबेथ द 1 का टाइम पीरियड क्या है, 1558 से लेकर के 1603, और जेम्स द 1 का 1603 से लेकर के 1625। अब अगर आपको विलियम शेक्सपियर का बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर याद हो तो कहाँ फॉल करता है, 1564 से 1616 कहाँ फॉल करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में। सो ये दो हमारे मोनार्क्स हैं जिनके रेन के अंदर या जिनके रूल के अंदर विलियम शेक्सपियर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने प्लेज, अपने सोनेट्स, अपने लॉन्ग नरेटिव पोएम्स इस टाइम पीरियड के अंदर लिखे हैं। अब जब बात आएगी हिस्ट्री प्लेस के ऊपर, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से मनार्क्स को कवर किया है उन्होंने अपने हिस्ट्री प्ले के अंदर। ठीक
ठीक, एलिजाबेथ दी फर्स्ट पे लिखा है? नहीं। जेम्स दी फर्स्ट पे लिखा है? नहीं। सो ये एक्चुअली इस टाइम पीरियड में फॉल करते हैं, पर उन्होंने वर्क किन के ऊपर लिखा था? वो जो इससे पहले हमारे आए थे मोनार्क्स, उनके ऊपर। सो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले किस मोनार्क को कवर किया है उन्होंने? जॉन। उसके बाद रिचर्ड दी सेकेंड, देन हेनरी दी फोर्थ, हेनरी दी फिफ्थ, हेनरी दी सिक्स्थ, रिचर्ड दी थर्ड एंड हेनरी दी एट्थ। ये हैं आपके मोनार्क्स जिनके ऊपर प्लेस लिखे गए। फिर से देखिए, नाम याद करते चलिए। किंग जॉन, रिचर्ड दी सेकेंड, हेनरी दी फोर्थ, हेनरी दी फिफ्थ, हेनरी दी सिक्स्थ, रिचर्ड दी थर्ड एंड हेनरी दी एट्थ। अब क्या टोटल इतने ही प्लेस है? कितने टिक लगाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 प्लेस हैं हिस्ट्री के? नहीं, टोटल देयर आर 10 प्लेस, 10 है। तो 7 मोनार्क और 10 प्ले, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? कुछ प्लेस पार्ट्स में लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी दी फोर्थ इज इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कितने पार्ट्स में है हेनरी दी फोर्थ? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हेनरी दी सिक्स्थ इज इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो एक बार फिर से काउंटिंग करें। हाउ मेनी प्लेस? एक प्ले किंग जॉन, एक प्ले रिचर्ड दी सेकेंड, एक प्ले हेनरी दी फोर्थ पार्ट 1, एक आपका हेनरी दी फोर्थ पार्ट 2, देन हेनरी दी फिफ्थ, देन हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी दी सेवेंथ पार्ट 2, हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट 3, रिचर्ड दी थर्ड एंड हेनरी दी एट्थ। सो हाउ मेनी हिस्ट्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर? 10 हिस्ट्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर। फटाफट से नाम याद कीजिए। एंड दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द मोनार्क्स। पहले कौन राजा, फिर कौन राजा, फिर कौन राजा, इस ऑर्डर में आए थे। कर लिया हमने सेट? ओके, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके लाइन की, कि कौन कौन से किस किस लाइन को फॉलो करते हैं। एक चीज समझो, जब जब हम लोग लाइन बोलते हैं ना, ये ब्लड लाइन की बात हो रही है, कि वो एक परिवार से कौन कौन से राजा बने, इसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो जब भी लाइन बोला जा रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ब्लड लाइन और द फैमिली लाइन। तो हेनरी द सेकेंड से हमने शुरुआत की है, और हेनरी द सेकेंड से लेकर के रिचर्ड द सेकेंड तक ये एक ही लाइन चले आ रहा है। एंड ये कौन सा लाइन है? प्लांटेज। ये एक ही फैमिली चली आ रही है। कहां से? हेनरी द सेकेंड से लेकर के रिचर्ड द सेकेंड तक। उसके बाद क्या हुआ? हेनरी दी सेकेंड को उसके कजन हेनरी बोलिन ब्रोक ने कैप्चर कर लिया। तो अब जब कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया, और वहां प्रिजन में डेथ हो गई हेनरी दी सेकेंड की, तो अब जो हेनरी दी सेकेंड की परिवार का फैमिली है, या आगे के सन है, ब्रदर है, वो राजा नहीं बन पाए। किसने कैप्चर करा था? हेनरी बोलिन ब्रोक ने। अब हेनरी बोलिन ब्रोक बन गए हमारे नेक्स्ट किंग, और क्या नाम आया? हेनरी दी फोर्थ, हेनरी दी फोर्थ। तो अब बात आ जाएगी कि भाई हेनरी दी फोर्थ से कौन सी लाइन आई। तो देखते हैं हेनरी दी फोर्थ से कौन सी लाइन आई। हेनरी
हेनरी दी फोर्थ, हेनरी दी फिफ्थ और हेनरी दी सिक्स्थ, ये तीनों यहां से लेकर के यहां तक, ये हेनरी दी सिक्स्थ, ये है लैंकेस्टर लाइन, लैंकेस्टर लाइन, ये एक परिवार से हैं। सो हेनरी दी फोर्थ, उसका बेटा हेनरी दी फिफ्थ, उसका बेटा हेनरी दी सिक्स्थ, ये अपना ऑर्डर में आए। अगर आपको वहां पहले जानना है कि कौन कौन बना था, वहां भी देख लीजिए, मैं वहां भी बता देती हूँ मैं आपको। ये जो है हमारा हेनरी दी सेकेंड, फिर रिचर्ड दी फर्स्ट, और ये जॉन। सो जॉन भाई है, ब्रदर। और आपको पता है कि जब भी ये मोनार्की वाली जो लाइन होती है, इसमें क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनता है। जो लेजिटिमेट प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, वो क्या है, राजा का बेटा राजा बनता है। यहाँ पे जॉन भाई होके राजा बन गए, एंड दैट्स वाई जब आप प्ले डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि उस थ्रोन को लेकर के देयर इज दिस लड़ाई, कि नहीं, जो बेटा है, जो जॉन का नेफ्यू है, वो ज्यादा मतलब एलिजिबल है राजा बनने के लिए, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। जॉन इज ऑल्सो देयर, जो कि किंग है। सो थ्रोन को लेकर के लड़ाई है जॉन की और नेफ्यू की। और वो क्यों ऐसा आया है, क्योंकि रिचर्ड के बेटे को राजा ना बन के कौन बन गया था, भाई बन गया था जॉन। ठीक, जॉन के बाद फिर हेनरी दी थर्ड इज दी सन, जॉन का ही सन। तो यहाँ पे ये चीज हल्का सा ध्यान रखेंगे। फिर वो अपना चले आ रहा है, चले आ चले आ रहा है। रिचर्ड दी सेकेंड के समय क्या हुआ, हेनरी बॉलिंगब्रोक ने रिचर्ड दी सेकेंड को कैप्चर कर लिया, और हेनरी बॉलिंगब्रोक कौन है, उसका कजन है, और फिर वो खुद किंग बन गया, है ना, वो खुद किंग बन गया, जिसकी वजह से ये लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई। और नेक्स्ट ब्लड लाइन या फैमिली लाइन चला वो कौन सा, लैंकेस्टर लाइन। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लैंकेस्टर लाइन कौन कौन है उसमें, हेनरी दी फोर्थ, हेनरी दी फिफ्थ और हेनरी दी सिक्स्थ। तो हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू, हेनरी दी फिफ्थ, हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ये सब किस लाइन के अंदर प्ले कवर कर रहा है, लैंकेस्टर लाइन। अगर हमारा क्वेश्चन आए हाउ मेनी प्लेज फोकसिंग ऑन लैंकेस्टर लाइन, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एंड हाउ मेनी प्लेस फोकसिंग दी फर्स्ट लाइन, दो आ जाएगा, किंग जॉन और नीचे रिचर्ड दी सेकेंड। फिर एडवर्ड दी फोर्थ, यहाँ क्या बात हो गई, अब एडवर्ड दी फोर्थ जो है वो है नेफ्यू, और यॉर्क लाइन चला किसका किसका, यॉर्क लाइन। अब हुआ क्या था यहाँ पे, कि जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थे, ड्यूक ऑफ यॉर्क किल्ड, सो एक्चुअली जिसको राजा बनना था वो कौन बनता, ड्यूक ऑफ यॉर्क बनता। यहाँ पे भी प्रॉमिस हुआ था, तो किस चीज का प्रॉमिस हुआ था कि ड्यूक ऑफ यॉर्क राजा बन जाएंगे, बट यू ड्यूक ऑफ यॉर्क की हो जाती है डेथ, और इनके हो जाते हैं तीन बेटे। ठीक, उसमें से एक एडवर्ड, एक रिचर्ड और एक और क्लेरेंस। सो अब इसमें से जो ये रिचर्ड है ना, ये रिचर्ड क्या है, इसको माना गया है रॉयल क्रिमिनल। तो अब सीक्वेंस वाइज या ऑर्डर वाइज, ड्यूक ऑफ यॉर्क को राजा बनना था, ड्यूक ऑफ यॉर्क की हो गई डेथ, तो कौन राजा बना, बड़ा बेटा एडवर्ड बन गया। अब उस एडवर्ड के दो बेटे थे यहाँ पे, तो अब एडवर्ड के बाद एलिजिबिलिटी किसकी बनती, बेटे की बनती, बट ये रिचर्ड ने क्या करा, इसने प्लानिंग करी, इसने पहले क्लियरेंस को खर मरवा दिया, उसके बाद ये दोनों बेटों को कहाँ भेज दिया, टार में, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टार है। क्या हुआ उनका, किसने
किसी को नहीं पता, उन बच्चों का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किसकी हुई? रिचर्ड भाई की, रिचर्ड भाई की। तो ये ब्रदर बना नेक्स्ट किंग। उसकी हो गई डेथ बैटल में, रिचर्ड की डेथ हो गई बैटल में, और बैटल में इसको हराया किसने? हेनरी ने। तो यहां से फिर शुरू हो जाता है आपका, हेनरी से लेकर के एलिजाबेथ तक, हेनरी से लेके एलिजाबेथ तक ट्यूडर लाइन, ट्यूडर लाइन। क्यों ये ट्यूडर लाइन है? ये जो हेनरी है, हेनरी दी सेवेंथ, ये एक्चुअली यहीं से है। कहाँ से? इस वाले परिवार से, उन्हीं के रिश्ते में का हमारा कैंडिडेट है। लेकिन इसने क्या करा, उसने यॉर्क की फैमिली से एलिजाबेथ से शादी कर ली। किससे कर ली? यॉर्क फैमिली के एलिजाबेथ से। और वो खुद किस फैमिली से था? लैंकेस्टर से था। और ये लैंकेस्टर, हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लड़ाई चल रही थी। कौन सी? वॉर ऑफ रोजेस। ये वॉर ऑफ रोजेस फिनिश हो गया जब एलिजाबेथ और हेनरी दी सेवेंथ की आपस में हो गई शादी, जिसकी वजह से ये पूरा वॉर ऑफ रोजेस क्या हो गया? फिनिश हो गया। सो अब इन दोनों की शादी हुई और ये लाइन स्टार्ट हो गई हमारी, ट्यूडर लाइन। इस ट्यूडर लाइन के अंदर हेनरी दी सेवेंथ का बेटा हेनरी दी एट्थ, जो कि पॉपुलर है फॉर सिक्स वाइव्स एंड ऑल्सो फॉर रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो आया था, उन्होंने क्या करा था? अपने आप को स्टाब्लिश करा था कि जो मोनार्क है या जो किंग है वही सुप्रीम लीडर ऑफ चर्च हैं, और पोप का इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स चाहिए था सो दैट वो शादी कर सके एनेबुलिन से। और एनेबुलिन से कौन सी डॉटर है? एलिजाबेथ। सो हेनरी दी एट्थ के तीन बच्चे हुए, एडवर्ड, मैरी और एलिजाबेथ। और तीनों ही एक-एक करके राजा बने, क्योंकि एडवर्ड बेटा था इसलिए पहले वो राजा बना। उसके डेथ होने पे बड़ी बेटी मैरी राजा बनी, उसके डेथ होने पे छोटी बेटी एलिजाबेथ राजा बनी। और एलिजाबेथ पे ये जो हमारी लाइन है वो फिनिश हो गई। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ के कोई मैरिज, कोई चाइल्ड नहीं था। फिर स्कॉटलैंड से लाया गया जेम्स दी फर्स्ट को। कहाँ से लाया गया? स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में जेम्स दी फर्स्ट वॉज यही जेम्स दी फोर्थ। तो हुआ कि भाई दोनों जगह के राजा बनो, और इंग्लैंड के लिए वो क्या हो गए? जेम्स दी फर्स्ट, क्योंकि पहले इस नाम का कोई राजा नहीं था। तो ये हल्का फुल्का मैंने आपको बता दिया कि स्टोरी क्या है, ताकि आपको रहे आइडिया कि हाउ थिंग्स हैपेंड। तो एक बार फिर से देखें इसको, देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपको मेरे ख्याल से सारा दिख रहा होगा यहाँ पे। सो हिस्ट्री प्लेस को आप समझ सकें, इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ये सारे राजाओं के नाम लिख दिए। तो कौन कौन है? हेनरी द सेकेंड, रिचर्ड द फर्स्ट, फिर जॉन, ये करके सारे राजा, जिसमें से हमारे प्ले लिखे गए। किंग जॉन, देन रिचर्ड द सेकेंड, देन हेनरी द फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू, हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द सिक्स्थ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, रिचर्ड द थर्ड, हेनरी द एट्थ, ये प्लेज लिखे गए, राइट? और इसमें से
किस तरीके से क्या स्टोरी हुई ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कौन सी लाइन है यहाँ पे, ये पहली वाली लाइन हो गई हमारी। फिर मेन आपको याद रखना है लैंकास्टर लाइन एंड यॉर्क लाइन बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ द रोजेस। वो कब फिनिश हुआ है? हेनरी VII के टाइम में, जब हेनरी VII जो कि खुद लैंकास्टर लाइन से थे, उन्होंने शादी कर ली किसी एलिजाबेथ से जो कि यॉर्क लाइन से थी, और एक नया लाइन स्टार्ट हो गया जिसको क्या रखा गया? ट्यूडर लाइन। हेनरी ट्यूडर नाम होने की वजह से ट्यूडर लाइन। फिर वहां पे कंटिन्यूशन में फिर हेनरी VIII, हेनरी VIII के तीन बच्चे, सबसे पहले एडवर्ड राजा, एडवर्ड VI, फिर मैरी I, फिर एलिजाबेथ I, और जहाँ पे ट्यूडर लाइन फिनिश हो जाती है, और फिर लास्ट में जेम्स I। ये स्टुअर्ट लाइन है। जेम्स I से कौन सा लाइन स्टार्ट हुआ है? स्टुअर्ट लाइन। कहाँ से? स्कॉटलैंड से। ये हेनरी VIII की ही एक बहन थी जिसकी उधर शादी हुई थी, और फिर उसी में से ये जेम्स वाज देयर। स्कॉटलैंड लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी में बात आएगी विलियम शेक्सपियर की, कि विलियम शेक्सपियर ने किस ऑर्डर में प्ले लिखा है। सो विलियम शेक्सपियर ने हेनरी VI पहले लिखा है, और इसके अंदर ना दो टर्म्स आते हैं, एक हेनरेट करके और टेट्रालॉजी करके। टेट्रालॉजी क्या हो गया? चार प्लेज एक साथ। टेट्रा चार होता है, और चार प्लेज को जब एक साथ कंबाइन करके कहा जाता है तो वो क्या हो जाता है? टेट्रोलॉजी। सो आउट ऑफ दीज 10 प्लेस हमारे पास टेट्रालॉजी 1 है और टेट्रालॉजी 2 है। टेट्रा 1 एंड टेट्रा 2। सो टेट्रा 1 के अंदर कौन कौन से प्लेस आते हैं? ये वाले, यहाँ वाले। टेट्रा 1 के अंदर कौन कौन से प्लेस आएंगे आपके? हेनरी VI, पार्ट 1, 2, 3 और रिचर्ड III। हेनरी VI, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रिचर्ड III, ये हैं आपके टेट्रा 1। ये वाले प्लेस पहले लिखे गए हैं, शेक्सपियर ने इनको पहले लिखा है। टेट्रा 2 में कौन से प्लेस आते हैं? रिचर्ड II, हेनरी IV, पार्ट 1, पार्ट 2 और हेनरी V। ये किसमें आते हैं? टेट्रा 2 में। सो ये है आपका टेट्रा 2, टेट्रा 2, टेट्रा 2। इनको विलियम शेक्सपियर ने बाद में लिखा है, टेट्रा 1 और टेट्रा 2। जो टेट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है वो है किंग जॉन और हेनरी VIII। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी टेट्रा। सो 8 प्लेज इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है और 2 प्ले अलग है, किंग जॉन और हेनरी VIII। क्रोनोलॉजी वाइज जाए तो सबसे पहले शुरू वाले राजा का प्ले कौन सा है? किंग जॉन। सबसे लास्ट वाले राजा का प्ले कौन है? हेनरी VIII। और ये माना जाता है कि ये वाला प्ले सबसे आखिर में भी लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, हेनरी VIII वाला, और उन्होंने अकेले नहीं लिखा है, विद द हेल्प ऑफ जॉन फ्लेचर लिखा है। जॉन फ्लेचर जिसके साथ उन्होंने 2 नोबल किंग्समैन लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो ये माना जाता है कि हेनरी VIII इज ऑल्सो ए कंबाइंड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। तो आई होप इससे थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अब कुछ एक आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। सो सबसे पहले हेनरी VIII से रिलेटेड, सो हेनरी VIII से रिलेटेड कैथरीन ऑफ एरेगॉन के से भी है। सो कैथरीन ऑफ एरेगॉन, देन एनेबलीन, थर्ड 1 जेन सेमर, एन ऑफ क्लीव्स,
कैथरीन हॉवर्ड एंड कैथरीन पार। क्या हुआ इनका? ये है आपके सिक्स वाइव्स, 1 2 आपकी नहीं, हेनरी द एट की, 4 5 एंड सिक्स। सो क्या क्या रहा यहाँ पे? सो डिवोर्स्ड, बिहेडेड, डाइड, डिवोर्स्ड, बिहेडेड, सर्वाइव्ड। फिर से, डिवोर्स्ड, बिहेडेड, डाइड, डिवोर्स्ड, बिहेडेड, सर्वाइव्ड। हेनरी द एट की पहले डेथ हो जाती है और कैथरीन पार क्या करती है? सर्वाइव करती है। तो याद हो क्या? डिवोर्स, बिहेडेड, डाइड, डिवोर्स, बिहेडेड एंड सर्वाइव। चाइल्ड बर्थ में जेन सेमोर की डेथ होती है, चाइल्ड बर्थ में, एंड शी इज द ओनली वाइफ जो जो हेनरी द एट्थ और जेन सेमर ये एक साथ बरी हैं। अदरवाइज और कोई वाइफ हेनरी द एट्थ के साथ बरीड नहीं है, शी इज द ओनली वन। मे बी बिकॉज गिवेन द एयर, जो एक बेटा चाहिए था हेनरी एट्थ ने, उसी बेटे के पीछे इतना सारा कुछ नाटक करा था, तो दैट्स ऑल। अब इनके बच्चे कौन कौन से हुए? सो कैथरीन ऑफ एरेगॉन से बेटी हुई मैरी, एंड हेनरी द एट्थ को चाहिए था बेटा एंड ही वॉज नॉट हैप्पी, तो उसने डिवोर्स करा। अब एक्चुअली कैथरीन ऑफ एरेगॉन हेनरी द एट्थ के बड़े भाई की वाइफ थी, फिर बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है, किंग क्वीन हो जाते हैं। अब उसको पसंद आ जाती है एनेबोलिन, जो कि कैथरीन ऑफ एरेगॉन की लेडी इन वेटिंग थी, और उससे अब एनेबोलिन से शादी करनी थी। प्लस एक पॉइंट भी था कि मेरा बेटा होगा, जो कैथरीन की अब एज हो गई थी, एंड चांसेस नहीं थे कि अब कोई और बच्चा होगा कैथरीन को, तो इस वजह से। सो एनेबोलिन्स डॉटर एलिजाबेथ एंड जेन सेमर्स सन एडवर्ड, जो कि आगे जाके किंग एडवर्ड दी सिक्स बनेगा। So, ये हैं वाइव्स और ये हैं बच्चे। एन ऑफ क्लीव्स नो चाइल्ड, कैथरीन हावर्ड नो चाइल्ड, एंड कैथरीन पार नो चाइल्ड। ठीक, अगर आपको और क्यूरियोसिटी हो, सो एनेबोलिन को क्यों बिहेड किया था? क्योंकि माना जाता था कि उसने ट्रीजन किया है और वाज हैविंग एन अफेयर विद समबडी एल्स। जेन सोमर का चाइल्ड बर्थ में डेथ हुई थी। एन ऑफ क्लीव्स की शादी हुई थी पोर्ट्रेट देखने के बाद। सो दो बहनें थी, दोनों की फोटो मंगाई गई थी, एंड ये उस तरीके से मैरिज थी, पॉलिटिकल मैरिज जो होती है। तो हेनरी द एट्थ वाज लाइक कि चलो इससे कर लेते हैं, पर जब एक्चुअली शादी हुई तो वो उसके लाइकिंग के हिसाब से नहीं थी, एंड शी वाज अगली सॉर्ट ऑफ, फिर डिवोर्स हो गया था। कैथरीन हॉवर्ड की जब शादी हुई थी हेनरी से, जो हेनरी वाज 49 एंड शी वाज ए टीनेजर, और ही वाज हार्डली इन अ पोजिशन टू मूव बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट एंड ऑल, तो उसके ऊपर भी फिर इल्जाम लगता है कैथरीन के ऊपर दैट शी इज हैविंग इलीगल या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से शी गॉट बिहेडेड। और कैथरीन पार ने सर्वाइव किया था, बाद में उसने अपने जो एक्स लवर था उससे शादी कर ली थी हेनरी द एट्थ की शादी होने के बाद। तो ये हम लोग याद रखेंगे हेनरी द एट्थ से रिलेटेड, और ये इससे डिवोर्स लेने के चक्कर में कौन सा हमारा मूवमेंट है? रिफॉर्मेशन। सो चर्च वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रोमन कैथोलिक
और किंग वॉज दी सुप्रीम हेड ऑफ चर्च, मतलब गॉड के बाद अब सीधे कौन आ गया? पोप नहीं आए, किंग आ गए, और फिर जो भी रूल्स चाहेंगे किंग वो बना सकते हैं। ये था हमारा। ठीक, और क्या आपको याद रखना है? फर्स्ट टेट्रालॉजी के अंदर हमारे कौन कौन से प्लेज हैं? हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी दी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी दी फिफ्थ और रिचर्ड दी, सॉरी हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट वन, हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट टू, हेनरी दी सिक्स्थ पार्ट थ्री और रिचर्ड दी थर्ड। ये आपकी फर्स्ट टेट्रोलॉजी है। सेकेंड टेट्रोलॉजी के अंदर रिचर्ड दी सेकेंड, हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी दी फोर्थ पार्ट टू और हेनरी दी, कौन कौन से प्लेज हमारे टेट्रा के पार्ट नहीं है? किंग जॉन और हेनरी दी एट। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, फर्स्ट टेट्रोलॉजी एंड सेकंड टेट्रोलॉजी। देन सम ट्रेजेडीज फीचरिंग हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, विलियम शेक्सपियर ने कुछ ट्रेजेडीज भी लिखी हैं जिसके अंदर हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो लोग एक्चुअली में इतिहास में हुए थे और उनके ऊपर बेस्ड उन्होंने प्लेस लिखे थे। तो अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएं तो अगर हम किसी हिस्ट्री पर्सन के ऊपर प्ले लिख रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल होना चाहिए, पर जो हमारा फर्स्ट फोलियो है उसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है उसको हम लोग मान के चलते हैं, और वहां पे वो प्लेस कहाँ इंक्लूडेड है? ट्रेजेडीज में इंक्लूडेड है। तो कभी होता है, कभी किसी कंटेंट में किसी पेपर के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया जाता है कि हाँ ये हिस्ट्री प्ले है बिकॉज ऑफ दी थीम, कि हाँ भाई हमने हिस्ट्री वाले पर्सन के ऊपर इसको लिखा है। पर फर्स्ट फोलियो का बायफिकेशन हम लोग याद रखेंगे, ये क्या है? ट्रेजेडीज हैं। दैट्स व्हाई मैंने इस कैटेगरी के अंदर वो नाम नोट करा रही हूँ आपको, ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मैकबेथ, किंग लियर, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये है, बट दीज आर अगेन नॉट इंक्लूडेड इन हिस्ट्री प्लेस, इनको हिस्ट्री प्लेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगली बात जो हमारे इसी हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड है वो क्या है? वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस के अंदर जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया था, हाउस ऑफ लैंकास्टर
एंड हाउस ऑफ यॉर्क। तो ये क्या है? ए सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स, मतलब जब कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही होती है, दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में नहीं। सो सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स फॉट ओवर फॉर द इंग्लिश थ्रोन। और वो जो दो अपोजिंग पार्टी थे वो कौन कौन से थे? लैंकास्टर एंड यॉर्क। ठीक, इनका क्या था? इनका था रेड रोज जो सिंबल था, और ये कब, इनका क्या था? व्हाइट रोज। एंड व्हाट इज द डेट वॉर ऑफ रोजेस के लिए? 1455 से लेकर के 1487। अब ये फिनिश कब हुआ? वॉर ऑफ रोजेस हमारा फिनिश कब हुआ? ये यहाँ पे जब हेनरी दी सेवेंथ, ये हेनरी दी सेवेंथ ने, जो कि खुद कहाँ से थे? लैंकास्टर लाइन से, शादी कर ली एलिजाबेथ से जो कि यॉर्क लाइन से थी, और फिर इनकी शादी जब हुई तो वॉर ऑफ रोजेस हमारा एंड हो गया और नया लाइन बन के आ गया ट्यूडर लाइन। कौन सा लाइन? ट्यूडर लाइन। तो हेनरी दी सेवेंथ आपको याद रखना है, हेनरी दी सेवेंथ जिसने एलिजाबेथ से शादी की और फिर हमारा वॉर ऑफ रोजेस एंड हो गया। ठीक, और एक है हमारा 100 ईयर्स वॉर। ये कब से कब तक चला है? 1337 से लेकर के 1453, और किनके किनके बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस, मतलब बीच में हुई है फिर नहीं हुई है, फिर हुई है फिर नहीं हुई है, इस तरीके से। बट ये 100 ईयर्स वॉर माना जाता है, और किनके किनके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ये थोड़े से पॉइंट्स जो कि प्लेज में कहीं कहीं नाम आ जाएगा, इसलिए आपको याद रखने होंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लेज की। सो बिल्कुल जो फर्स्ट वाला प्ले है वो कौन सा है? किंग जॉन का। मैंने क्रोनोलॉजी में ही रखा हुआ है ताकि जिस ऑर्डर में आपको वो नाम याद हुए हैं उसी ऑर्डर में हम लोग थोड़ा सा प्ले की जो स्टोरी है उसको भी देखते चलें। तो सबसे पहले कौन सा प्ले है? किंग जॉन। तो किंग जॉन कब की स्टोरी है? 13th सेंचुरी के लगभग की, है ना? और जॉन के भाई रिचर्ड दी फर्स्ट की डेथ होती है और उसके बाद किंग जॉन राजा बनते हैं। अब जो जॉन का नेफ्यू है आर्थर, जो भाई का बेटा है, उसका क्लेम है कि भाई थ्रोन तो मुझे मिलना चाहिए, अब कैसे बन गए राजा? तो अब आर्थर को कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्रांस वाले लोग, फ्रेंच उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शादी का भी प्रपोजल होता है कि जॉन की नीस और जो फ्रेंच का प्रिंस है इनके बीच में क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी तो ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वॉर हो जाता है, वॉर में जॉन को कैप्चर कर लिया जाता है, सॉरी जॉन कैप्चर कर लेता है किसको? आर्थर को, और ऑर्डर दे देता है कि और आर्थर को मार दिया जाए, तो न रहेगा ना किसी तरीके के कोई पंगे होंगे। अब जिसको जिम्मेदारी दी जाती है आर्थर को मारने की, वो उसको छोड़ देता है। मतलब तैयारी तो पूरी थी कि आर्थर की आंखें निकाल दी जाएंगी, लेकिन छोड़ देता है, नहीं मारता है। अब आर्थर जब वहां से भागने की कोशिश करता है, उस चक्कर में बाउंड्री से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है प्रिजन वॉल से भागते समय। अब इधर फ्रेंच फोर्सेस जो हैं ये इंग्लैंड पहुंच जाती हैं। जॉन पहुंचते हैं पोप के पास कि भाई आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करो। अब कुछ नोबल्स जो हैं, जो किंग जॉन के नोबल हैं, वो अपना कि भाई हम चलते हैं और हम फ्रेंच से मिल ले जाते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि फ्रेंच वाले जीतने के बाद हमें मार देंगे, तब तो वो वापस लौट आते हैं जॉन के पास। इधर जो एक मॉन्क होता है ये हमारे किंग जॉन को दे देता है पॉइजन, और
उसके बाद डेथ के बाद बेटा हेनरी दी एट नेक्स्ट राजा बनता है। ठीक, इसके बीच में कौन कौन आए वो तो आपने लिस्ट के अंदर देख ही लिया है। नेक्स्ट प्ले है हमारा रिचर्ड दी सेकेंड। रिचर्ड दी सेकेंड के पास ये जो पूरी जो फैमिली है, ये जो ब्लड लाइन है, ये इस वाले किंग के साथ फिनिश हो जाती है। और उसके बाद कौन आएगा? लैंकेस्टर लाइन, यॉर्क लाइन, इसके बाद ट्यूडर लाइन और फिर स्टुअर्ट लाइन। जेम्स द फर्स्ट से स्टुअर्ट लाइन शुरू हो जाता है। अब रिचर्ड द सेकेंड, ये रिचर्ड द सेकेंड का जो कजन है हेनरी बोलिंगब्रोक, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा जा सकता है कौन से प्ले में है। हेनरी बोलिंगब्रोक ये नाराज है रिचर्ड द सेकेंड के साथ। बोलिंगब्रोक्स फादर जॉन ऑफ गॉन्ट प्राइवेटली ब्लेम्स द किंग फॉर ग्लॉस्टर्स डेथ। जो एक डेथ हुई है उसके लिए इल्जाम लगाया जाता है राजा के ऊपर। अब फादर की हो जाती है डेथ। अब होता है कि भाई किस तरीके से बदला दिया लिया जाए, ये है वो है। राजा आयरलैंड चले जाते हैं। जब वो आयरलैंड से वापस आते हैं तो फिर रिचर्ड इज हेल्ड एट पेम्फ्रेट कासल एंड बोलिंगब्रोक बिकम्स किंग हेनरी दी फोर्थ। रिचर्ड इज मर्डर्ड बाई ए फॉलोअर ऑफ सो रिचर्ड दी सेकेंड को हरा के कैप्चर करके कौन राजा बन जाता है? हेनरी बोलिंगब्रोक। और हेनरी बोलिंगब्रोक कौन सा किंग बनता है? हेनरी दी फोर्थ। वो वाला हेनरी दी फोर्थ जिसके ऊपर दो प्लेज लिखे गए हैं, हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन और हेनरी दी फोर्थ पार्ट टू। सो हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन, इसके अंदर भी थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई काफी चीजें हैं, हॉटस्पर है इसके अंदर, याद रखिएगा। प्रिंस हाल जो कि हेनरी दी फोर्थ का बेटा है, सो प्रिंस हाल याद रखिएगा कैरेक्टर, ये कौन है? हेनरी दी फोर्थ का बेटा। क्या बनेगा ये? हेनरी दी फिफ्थ बनेगा आगे चैप्टर के। सो प्रिंस हाल एंड उसके साथ में है सर जॉन फॉल्स्टॉफ। और ये लोग का काम क्या है? ये ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी चीजें चुराते हैं और इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है। एंड हेनरी दी फोर्थ इज वारीड अबाउट दिस कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ हो रहा है। प्ले के आखिर में क्या होते हैं कि प्रिंस हाल सेव्स हिज फादर्स लाइफ एंड किल्स हॉट्सपर। ये आपका इम्पोर्टेंट इवेंट है, याद रखिएगा। हॉट्सपर को किसने मारा है? प्रिंस हाल ने अपने फादर की जान बचाई और उसको मारा है। लेकिन फॉल्स्टॉफ वहां पे इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है एज ए फॉल्स्टॉफ ने मारा है हॉट्सपर को, प्रिंस हाल ने नहीं मारा है। प्रिंस हाल भी चुप रह जाता है इस वाली बात पे। तो इसके साथ ये पार्ट वन फिनिश होता है। पार्ट टू के अंदर कंटिन्यू होती है स्टोरी। हॉट्सपर की डेथ हो गई है और रिबेल अभी भी हैं, चल रहा है सारा कुछ। अब फॉल्स्टॉफ की यहाँ पे काफी रेपुटेशन हो गई है क्योंकि उसने लोगों को बताया है कि उसने हॉटस्पर को मारा है एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ये लोग की चोरी वोरी और ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। प्रिंस हाल जाता है अपने फादर के पास मिलने और फिर वहां से कंटिन्यू होता है। और वो क्या बन जाता है? नेक्स्ट राजा हेनरी दी फिफ्थ। हेनरी दी फिफ्थ, अब बात आ गई हेनरी दी फिफ्थ की। तो नेक्स्ट प्ले इज हेनरी दी फिफ्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस हो गया है थ्रोन ऑफ फ्रांस के ऊपर। अच्छा, और फॉल्स्टॉफ पे कभी भी बात आए ना तो ध्यान रखिएगा, हेनरी दी फोर्थ पार्ट वन में फॉल्स्टॉफ है, हेनरी दी फोर्थ पार्ट टू में फॉल्स्टॉफ है, हेनरी दी फिफ्थ में बात है फॉल्स्टॉफ की। एक्चुअली कैरेक्टर आया नहीं है, कोई लाइंस बोले नहीं गए हैं, बट देयर इज डिस्कशन, बातचीत है फॉल्स्टॉफ की। पता चलता है हमें कि फॉल्स्टॉफ की डेथ हो गई है। और एक जो हम लोगों ने कॉमेडी प्ले पढ़ा है मेरी वाइस ऑफ विंडसर, उसके अंदर फॉल्स्टॉफ है जहाँ पे वो लेटर्स लिखता है दोनों मिस्ट्रेसेस को पैसे के लिए। ठीक, फॉल्स्टॉफ की डेथ के बारे में यहाँ पे पता चलता है। फिर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस कैथरीन जो है वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही है और मैरिज होती है किसके साथ? प्रिंस कैथरीन के साथ।
अब ये जो हेनरी द 5th है, बहुत छोट हेनरी द 5th की डेथ हो जाती है, तो जो उसका बेटा है हेनरी द 6th, बहुत छोटी एज में वो राजा बन जाता है। तो इस प्ले के एंड के आखिर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हेनरी द 6th इज द किंग, और बहुत ही यंग किंग है, छोटा है, और अंकल पूरे समय लड़ाई करते रहेंगे, क्योंकि जब तक किंग इज नॉट ओल्ड इनाफ टू टेक हिज ओन डिसीजन, तब तक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज किसके पास रहती हैं, जो एडवाइजरी रोल्स में होते हैं। तो हमारी कैथरीन जाएंगी मदर नेक्स्ट प्ले में, और हेनरी द 6th बन जाएगा राजा पार्ट 1 के अंदर। अब ये सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जॉन ला प्यूसेल, जिसको जॉन ऑफ आर्क कहा जा रहा है। शी इज अ लेडी, ध्यान रखिएगा, जिसके बहुत अच्छे मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो ये सारे अंकल आपस में लड़ रहे हैं, जो आपके अलग अलग लाइन के हैं, लैंकेस्टर लाइन के हैं, यॉर्क लाइन के हैं, और ये आपस में लड़े जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि भाई तुम्हें लड़ना ही है तो तुम फ्रांस से लड़ो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। पर वो उन्होंने अपने अपने रोजेज बना रखे हैं, व्हाइट रोज रेड रोज, एंड दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। हेनरी द 6th को राजा बना दिया गया है, और मैरिज होती है हेनरी की और मार्गरेट की। और ये मार्गरेट वाली चीज प्लान कौन किया है, सुफॉल्क प्लान किया है। सुफॉल्क खुद पसंद करता है मार्गरेट को, पर उसने शादी हेनरी के साथ क्यों कराई मार्गरेट की, ताकि मार्गरेट तो मेरी है ही है, और मैं उसके थ्रू राजा को भी अपने अंडर रखूंगा। जब हमारे अगले प्ले में सुफॉल्क की डेथ होगी, तो इतना ज्यादा रोएगी कि राजा खुद कहेंगे कि भाई इतना तो तुम मेरे मरने पे भी नहीं रोती जितना तुम सुफॉल्क के मरने पे रो रही हो। हेनरी द 6th पार्ट 2। हेनरी अपने नई ब्राइड मार्गरेट से मिल रहे हैं, और ये शादी सुफॉल्क के थ्रू हुई है, प्रॉक्सी टाइप, एंड इनके अभी भी चल रहे हैं सब कुछ। सुफॉल्क इज बैनिश्ड, कैप्चर्ड बाय पायरेट्स एंड किल्ड, और सुफॉल्क के मरने पे बहुत ही ज्यादा ये रो रही है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे यॉर्क के जो बेटे हैं, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क लीड्स एन आर्मी अगेंस्ट किंग हेनरी, हु फ्लीज बैक टू लंडन। और जब प्ले एंड हो रहा होता है, रिचर्ड्स फोर्सेस आल्सो मूव टुवर्ड लंडन। तो वो जो यॉर्क परिवार है, वो लगा पड़ा है कि हमारी एलिजिबिलिटी ज्यादा बनती है राजगद्दी को लेकर के, सो दे आर हैविंग दिस फाइट एंड ऑल। ड्यूक ऑफ यॉर्क, जिसके वो बेटे दिखाए थे मैंने, और जिसमें से खुद ही छोटे वाला, जो सेकेंड वाला जो बेटा होगा, बड़े वाले भाई के बच्चों को मार के राजा बनेगा। सो हेनरी द 6th पार्ट 3 प्रॉमिस करता है हेनरी कि भाई मुझे, जब तक मैं हूं मुझे रहने दो, और इसके बाद तुम बन जाना राजा, आई एम गिविंग यू दिस प्रॉमिस। लेकिन जो ड्यूक ऑफ यॉर्क के बच्चे थे, वो ये चीज मानने को राजी नहीं है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। तो इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। जो क्वीन मार्गरेट थी, उनका जो बेटा था प्रिंस, उसको भी मार दिया जाता है, और मार्गरेट इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा दुखी है। बाद में किंग एडवर्ड कैप्चर्स मार्गरेट एंड हेल्प्स टू किल हर सन प्रिंस एडवर्ड। रिचर्ड मर्डर्स किंग हेनरी एंड बिगिंस टू प्लॉट हिज वे टू दी क्राउन। ये जो दोनों भाई हैं, ये आपस में मिलजुल के हेनरी के परिवार को खत्म कर देते हैं। हेनरी द 6th में मार्गरेट कहती है मुझे भी मार दो, ये मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है। उसको बंदी बनाते हैं, बाकियों को मार देते हैं, और अब ये दोनों भाई यहाँ से आगे आ गए। तो भाई वो राजा बन जाता है एडवर्ड। फिर वो जब बीमार रह रहा होता है, तो होता है कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, उसका बेटा। लेकिन रिचर्ड ये सब गड़बड़ी कर देता है। राजा के मरने के बाद दोनों छोटे बच्चों को टार में भिजवा देता है, और वहां से इन बच्चों का क्या होता है किसी को नहीं मालूम, और फिर वो खुद राजा बन जाता है। पर वो खुशी नहीं, ऐसी वाली चीज की खुशी तो होती नहीं है। बाद में जब उसकी नजर एलिजाबेथ पे होती है, एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क के ऊपर, एंड एलिजाबेथ उसके साथ नई शादी करना चाहती, तो वो हेल्प भिजवाती है कि मुझे हेल्प करो। कौन? हेनरी द 7th के पास। हेनरी द 7th आते हैं, लड़ाई होती है, रिचर्ड को मार देते हैं, और एलिजाबेथ और हेनरी द 7th की शादी हो जाती है। वॉर ऑफ रोजेस एंड हो जाता है। जो लैंकेस्टर लाइन और यॉर्क लाइन के बीच में लड़ाई हो रही थी,
फिनिश हो जाते हैं। और फिर उनका बेटा हेनरी दी एट्थ राजा बनता है, जिसकी वो 6 वाइफ्स एंड 3 चिल्ड्रन, वो सब मैंने आप लोग को बता दिया। प्ले किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? एनेबलिंग के ऊपर, कि किस तरीके से क्वीन कैथरीन से डिवोर्स होकर के शादी होती है एनेबलिन से, और प्ले के आखिर में क्वीन एलिजाबेथ का जन्म है। एन गिव्स बर्थ टू ए डॉटर, द फ्यूचर क्वीन एलिजाबेथ। क्रैनमर प्रोफेसेस मार्वलस रेन्स फॉर हर एंड हर अननेम्ड सक्सेसर जेम्स, जहां तक हम लोगों ने कवर करा है अपने डिस्कशन में। एलिजाबेथ और जेम्स, ठीक। सो ये एक्चुअल एंड वो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले। सो दिस इज ऑल अबाउट आर हिस्ट्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर।